अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। गुबित काबर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर ले। हमजा के पास लास्ट व्लॉग मैंने आपको बताया था कि हमजा लोगों ने हाथ से काटी है इस दफ़े धान की फसल, तो अभी बस इन्होंने सारी इकट्ठी कर ली है। इधर कॉलेज से आया तो मैं सीधा इधर ही आ गया हमजा के पास, और अभी थोड़ा सा काम इनका रहेगा, ये इंशाल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा। अभी मैं भी साथ लगा हुआ हूँ धड़ाधड़ काम मुकम्मल करने के लिए। अभी जी मैं और हमजा लगे हुए हैं जी धड़ाधड़ काम में, तो हमारा इंशाल्लाह काम उम्मीद आज खत्म हो जाएगा। ये हमजा लोगों की बाकी जो इसका काम मुकम्मल हो गया, पीछे अजाने हो रही हैं और ये झाड़ने वाली थोड़ी सी रह गई, अभी इसको झाड़ते हैं। बस इसको काम है जी, ये पड़ी हुई है धान की फसल, अब इसको झाड़ना है। बस झाड़ के साइड पे जो पड़ी है वो झाड़ दी है हमने, ये सारी जो है साइड पे। अभी मुझे सांस चढ़ गया और सूरज भी नीचे डल रहा है, थोड़ी देर तक डल जाएगा। इधर हमजा लगा हुआ धड़ाधड़। अभी सांस लेने के लिए सांस लेके पानी पीते हैं। पानी किधर पड़ा हुआ है? पानी पिला दो यार, क्या हो गया? साढ़े चार हो गए तकरीबन शाम के, और हमें पसीना देखें कितना ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने काम कर रहे हैं और पसीना काफी ज्यादा आ गया हुआ है, तो अभी हम पानी पीने लगे हैं। टिक्की नजर आ रही है छोटी सी, थोड़ी थोड़ी धुंध पड़नी शुरू हो गई है। अभी बस हमारा भी थोड़ा सा ही काम रह गया। पानी जी हमजा ले आया, अभी बस पीते हैं। गिलास तो इधर है नहीं, ऐसे ही पीना पड़ेगा हमें। इधर है, उधर पड़ा हुआ है, और देखो। बंद करी। तीन चार दिन हो गए हैं जी हमजा भाई जो इनको जो लगे हुए धान की फसल काटी है, फिर बांधी है, और अभी बस इसको झाड़ना है, तो मैं अभी आ जाया हूँ। तो कल मैंने अपनी फसल जो धान की वो कटवाई थी, तो आज इंशाल्लाह इनका भी काम जो मुकम्मल हो जाएगा। अभी मैं भी साथ लगा हूँ, तो उम्मीद है जल्दी जल्दी काम जो ख़त्म हो जाएगा। और सूरज भी बिल्कुल जो है ना डलने के करीब है, तो टाइम अभी हो गया 4:18, तो बस हम काम करके फिर चलते हैं। और काम रहेगा, काम जो हमारा मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब ही है, बस यही थोड़ी सी रह गई है। और हमजा ऊपर से ये जो क्रिकेट पड़ा हुआ है ये इसको इकट्ठा कर रहा है अभी। तो ग्रो हो चुका है और अभी धुंध पड़ना जब थोड़ी हल्की हल्की शुरू हो गई है। लेने बैठा था, मैं आ गया मेरे ऊपर। हमजा सांस लेने बैठे हैं जी। ये जो हमने पीछे डेयरी लगाई है इसकी हमने जो ना झाड़ कर दी है, बस
अभी ये थोड़ी सी रह गई है और हमें थकावट महसूस होने लग पड़ी है, तो हम आगे इधर बैठ गए। अभी सांस ले कर फिर चलते हैं दोबारा, फिर काम शुरू करते हैं। बैठ के सांस ले रहे हैं तो काम हमने काफ़ी ज़्यादा कर दिया। हमजा ने पानी पिया है तो मुनीर भी हमारे पास आ गए, बस ये शरारतें करता रहता है। तो अभी बस थोड़ा ही काम रहेगा, अभी बस करते हैं इंशाल्लाह, काम जब उम्मीद है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 5:03 और काम हमारा बस थोड़ा ही रह गया। टाइम जो है वो भी हमारे पास जो वो कम ही है और काम भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी बस अभी जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। मुझे पता था कि इधर ही बस जो धान की फसल पड़ी है इसको ही बस जाना, अभी थोड़ी सी पीछे भी पड़ी हुई है उसको भी है, तो खैर अभी कोई नहीं, चला अभी यही काम है करके इंशाल्लाह फिर चलते हैं वापस। मैंने चले जाना झाड़ के तेरा जो धान की फसल तो दाने पड़े हुए हैं ना, इसको भी तुमने हमारे घर छोड़ के जाना, तो मैंने पहले ही चले जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना भी मसरूफ बन रहा हूँ यार। सामने तुमने गंज किया यार, तो मैं जान के नहीं किया। काम जो है रात को जो वो सारा मुकम्मल हो चुका था, हमजा भाई जान के भी धान की फसल का काम जो मुकम्मल हो गया। तो खैर जी अभी जो अपनी धान की फसल हम कटवा के घर लेके आए हैं, तो अभी जो है ना व्यापारी आ रहे हैं वो देखते हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना उसको सेल कर देना। तो ए जी अपनी धान की फसल, तो अभी बस व्यापारी आ रहे हैं तो उनकी दुकानी है, तो फिर उसके बाद उनको इंशाल्लाह सेल कर देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी उम्मीद से जो ना फसल काफ़ी ज़्यादा हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से जो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना जब खड़ी थी फसल तो लग नहीं था रहा था कि इतनी फसल होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, काफ़ी ज़्यादा फसल अच्छी हुई है। तो बस अभी भाई जान जो वो आ रहे हैं, मैंने इनको कॉल की है, वो कह रहे हैं हम तकरीबन 10-15 मिनट तक आ रहे हैं, तो आते हैं इंशाल्लाह इनको दिखाते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सेल कर देंगे। व्यापारी भाई जान जो आ चुके हैं, अभी वो कंडा झंडा जो वो सेट कर रहे हैं, अभी मैं पानी लेने के लिए आया हूँ, तो पानी लेके भी चलते हैं। ये खाटी फरक है मेरे से फरक है उससे कहीं बैठ इन फरक है मेरे साथ में क्या की करना है। ये कहीं आलू वाले हो गया और 40 तरह का नहीं है, पतलियां नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः सात। फाइनली जी चाचा जान जी आ गए हैं और काम जो स्टार्ट कर दिया है, और तकरीबन 5-6 बोरियां जो फिल हो गई हैं, अभी वो बाकी रहती है थोड़ी सी। तो हर साल ही हम इनको जो ना धान की फसल हो या गंदम हो इनको सेल करते हैं। तोल का काम जो मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ आखिरी बोरी जो वो रह गई है। काम जी मुकम्मल हो चुका है और अभी बस बोरियों के मुंह जो ऊपर से सिलाई किए जा रहे हैं। काम जो मुकम्मल हो गया, अभी बस भाई जान जो वो लेके जा रहे हैं, लोड कर रहे हैं गाड़ी पे, उसके बाद चले जाएंगे लेके। अभी हो गया जी 5:20 जो ऊपर से मुँह बोरी का मुँह सिलाई कर रहे हैं लेके जा रहे हैं। फाइनली जी काम मुकम्मल हो चुका है, अभी बस तराजू रह गया, वो लेके जाने लगे हैं। जान जी जा रहे हैं लेके तराजू, अल्लाह जी भाई जान जो वो ले गए चले गए हैं, और मैंने पानी पिलाया, अभी कह रहे थे पानी पिला दिया, मैंने चाय पिलाई है तभी पानी पिलाया, तो अभी लेके चले गए हैं। तो खैर जी काम हो गया ख़त्म, काम हो गया जी ख़त्म। हमजा लोगों की जो धान की फसल की उसका भी काम जो मुकम्मल हो गया, वो भी लेके घर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं,
तो हम तो काफ़ी दिन के ले आए हैं, लेकिन इसको अभी सेल करना था, तो मैं सुबह का भाईजान का इंतजार कर रहा था, वो अभी आए हैं। तो खैर जी, काम बिल्कुल जो है मुकम्मल हो चुका है। तो खैर आज का ब्लॉग जी यहीं पर ख़त्म करते हैं। शर्मन को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।